मजेदार सा फ्रूटी शेक। दो रेसिपीज मैंने बनाई, एक तो फ्रूटी कुल्फी और फ्रूटी शेक, दोनों ही बहुत ही कभी कभी ना ऐसा काम करके भी बड़ा मजा सा आता है। आज हम ना कुल्फी बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास 10-10 रुपए वाली फ्रूटी है, इसमें हम लगा देंगे ये यहाँ पर इसके बिल्कुल बड़े ही ध्यान से छोटा सा कट, इसमें ना अब ये हम इस तरह से ये इसको मैंने डाल दिया और इसको रख देंगे हम फ्रीजर में जमने के लिए। अभी मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी जमने के लिए और जब ये रेडी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी रात मैंने इसको फ्रीजर में रखा था, ये बढ़िया से जमकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम इसके बाहर वाले इसको निकाल देंगे। मजेदार सी ये हमारी फ्रूटी मैंगो कुल्फी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है फ्रेंड्स, बच्चे तो देख के इतना खुश हो जाएंगे। दो मैंगो कुल्फिया बनाई, एक को तो हम खाएंगे ऐसे ही और दूसरी से हम बनाएंगे फ्रूटी शेक जो कि बहुत ही यमी सा बनता है। ये देखिए, ये मिक्सी जार में एक फ्रूटी आइसक्रीम को हम डालेंगे। वनीला प्लेन आइसक्रीम है मेरे पास, दो स्कूप मैं इसके ऐड कर दूंगी। और इसमें हम ऐड करेंगे दूध आधा गिलास और इसको शेक कर लेंगे। वैसे तो इसमें शुगर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि जो हमने आइसक्रीम डाली है वो भी मीठी है और जो फ्रूटी है वो भी मीठी है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा तेज मीठा खाना हो तो आप एक या दो चम्मच इसमें चीनी के ऐड कर लीजिए इस टाइम पर। दो रेसिपीज मैंने बनाई, एक तो फ्रूटी कुल्फी और फ्रूटी शेक, दोनों ही बहुत ही कमाल की है। ट्राई कीजिए दोनों और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको कौन सी वाली अच्छी लगी। पसंद आए जो भी कमेंट्स में बताना मत भूलिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।